नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे फेवरेट चैप्टर जिस पर आप लोग बहुत कमेंट किए थे कि सर केसीसी पर वीडियो बनाइए, विस्तार से बताइए ये क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या होता है इसमें। और अभी हाल में ही 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सम्मानित किया और ये घोषणा किया कि केसीसी जो है हर पीएम किसान के तहत सम्मानित होने वाले किसानों को प्राप्त होगी। तो ये क्या है, पूरी प्रक्रिया हम लोग विस्तार से सीखेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा जाता है केसीसी, लेकिन इसका फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो शुरुआत है वो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में, यानी काफी पुरानी योजना है भारत सरकार की। इस योजना के तहत किसानों को जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि किसान अपनी फसल बोने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए, यानी कि फसल से संबंधित अगर उनको पैसे की कोई समस्या है तो वो सेठ साहूकारों से न लेकर के या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से लोन न लेकर के सरकार से खुद लोन ले और सरकार बहुत कम ब्याज दरों पर किसानों को खेती करने के लिए जो रकम देती थी उसे किसान क्रेडिट कार्ड के तहत प्राप्त होता था। लेकिन अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या प्रक्रिया है, हम लोग उसे देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप समझिए कि लाभार्थी कौन हो सकता है, फिर हम समझेंगे कि इसमें जो लोन मिलता है वो अधिकतम कितना मिलता है, इसका लोन चुकाने का समय कितना है और ब्याज दर कितनी है। और अगर केसीसी न बन पाए, बैंक आनाकानी करें, तो हम शिकायत कहां करें। ये सब कुछ हम लोग विस्तार से समझेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर लाभार्थी की, इसका मतलब कि कौन किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है जिसके जरिए उसे लोन प्राप्त होगा। तो इसमें जो 18 वर्ष से ऊपर हैं किसान और 75 वर्ष से कम है, यानी 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में जिन व्यक्तियों के नाम कोई जमीन है और उसकी खतौनी है और वो किसान पीएम सम्मान किसान निधि योजना के तहत वर्ष में 6,000 रुपए प्राप्त करते हैं, वो केसीसी के लिए लाभार्थी हैं। हालांकि जो नहीं प्राप्त करते 6,000 रुपए वार्षिक वो भी, लेकिन जो प्राप्त करते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो 100% पात्र हैं। इसका मतलब कि ये लोग अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र प्राप्त कर चुके हैं और 75 वर्ष से कम है तो ये जिस बैंक से इनको मिलता है पैसा उस बैंक में या दूसरे भी बैंक में जा करके केसीसी का फॉर्म भर सकते हैं और उनको 100% की गारंटी है कि बैंक वाले उस किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इसमें जो लोन है वो कम से कम तो सीमा इसकी नहीं है, क्योंकि जितनी कम जमीन और फसल के अनुसार मिलता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अधिकतम, यानी आप अधिक से अधिक 3 लाख रुपए ही प्राप्त कर सकते हैं केसीसी के तहत, ठीक है। अब जो इसका समय है वो 1 वर्ष है चुकाने का, मतलब कि जब भी आप लोन प्राप्त करेंगे उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर आपको वो लोन 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 50,000 या 25,000 जो भी आपने प्राप्त किया है उसे आपको चुकाना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल 4% वार्षिक ब्याज ही देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, आप समझिए अच्छे से, 4% ही ब्याज लगेगा। लेकिन अगर 1 वर्ष के भीतर आप नहीं चुका पाते
तब आपको 7% देना होगा। कितना देना होगा? 7%। यानी अगर आप एक वर्ष के भीतर चुका देते हो तो आपको 3% कम देना पड़ेगा। यानी ये 3% सरकार माफ कर देगी एक वर्ष के भीतर चुका देने वाले को। इसका मतलब कि ईमानदार किसान अगर 1,00,000 रुपए का लोन ले और एक वर्ष के भीतर चुका दें तो 1,00,000 का 4% 4,000 रुपए हुआ ब्याज, और 1,00,000 मूलधन 1,04,000 रुपए में फाइनल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो वो ईमानदार नहीं माने जाएंगे और फिर सरकार उन पर 3% की छूट नहीं देगी और पूरा उनको 7% फिर जब तक समय लगेगा तब तक का जोड़ के लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा किसान क्रेडिट कार्ड बने और आप किसी बैंक में गए लेकिन वहां पर बैंक वाले आनाकानी कर रहे हैं, ठीक है, तब आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आप डायरेक्ट वहां कॉल करके अपने ब्रांच यानी कि जहां आप गए हैं उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। वो नंबर आप नोट कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर है, आप किसी भी मोबाइल से लगा सकते हैं, 0120-6025-109 यानी कि 0120-6025-109 या फिर 1552-61, इन दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी पर भी शिकायत कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी भी सरकार द्वारा जारी की गई है। ईमेल आईडी है pmkisan.ict@government.in, इस पे आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा हिदायत दी गई है बैंकों को कि जो भी किसान किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेगा उसको 15 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी जारी हो जाना चाहिए 100%। इसका मतलब कि अगर आप कहीं गए और वो कोई भी बहाना बता रहे हैं तो वो बहाना नहीं बता सकते, लेकिन आप लीगल होने चाहिए, वैधानिक होना चाहिए आपके पास, पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी होनी चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी हैं तो आपका आधार कार्ड जरूर होगा। अगर आपका आधार कार्ड है, ठीक है, और आपके पास खतौनी है खेत की, तब आप शिकायत करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले समझ गए हैं कि हमें केसीसी करना ही करना है तो वो कर देंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कितना मिल सकता है लोन, क्योंकि अधिकतम तो 3,00,000 की बात हो गई है, तो इसका निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, इसका निर्धारण खेत का आकार कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है और उस खेत में फसल कौन बोई गई है उस पर निर्भर करता है। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, मैंने बार बार किसान का जिक्र किया है तो यहां किसान में कौन कौन आता है पहले ये भी समझ लीजिए। यहां किसान में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी का मतलब फल सब्जी उगाते हैं, धान गेहूं उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, ये सब हुए। दूसरे वे भी आते हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन का मतलब मुर्गी पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं, डेयरी चलाते हैं, है ना, तो ये लोग भी किसान हैं। ये लोग भी मतलब जो आपका आता है ना ये किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का मामला, उसके अंतर्गत पशुपालक लोग भी शामिल किए गए हैं। खेती बाड़ी जो करते हैं वो तो शामिल ही हैं, पशुपालन जो करते हैं वो भी शामिल हैं, और जो मछली पालन करते हैं वो भी शामिल हैं। यानी इन तीनों को कृषि के अंतर्गत रखा गया है। स्पेशल किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कृषक के अंतर्गत यानी कि किसानी के अंतर्गत खेती भी आती है, पशुपालन भी आता है और मछली पालन भी आता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क यहां पर यह है कि पशुपालन और मछली पालन
इन दोनों को अधिकतम 2 लाख रुपए ही लोन मिलता है, यानी मिलेगा जो नई स्कीम आई है इसके तहत। लेकिन खेती बाड़ी जो करते हैं उनको अधिकतम 3 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन ब्याज दोनों के लिए 7% वार्षिक है। समय पर चुका देने पर 4% दोनों के लिए है, यानी कि 3% माफ हो जाएगा। तो ये था किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी जो मैंने आपको दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ समझ में कम आया, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको बताऊंगा, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।